के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दवा शेरपा ने कहा, मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर पूरे गोरखपुर जोन में सतर्क है पुलिस। सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा दोनों त्योहार। फर्जी असलाह लाइसेंस मामले में प्रशासनिक जांच में अब तक लगभग 250 अवैध लाइसेंस व 5 गन हाउस की भूमिका संदिग्ध। शुक्रवार को पुलिस कर सकती है फर्जी लाइसेंस बनाने के तौर तरीकों का बड़ा खुलासा। राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं के पात्रों की घटती संख्या को देखते हुए अब बदले गए नियम। पूरी शान और शौकत के साथ निकाला गया इमामबाड़ा स्टेट से 5वीं मुहर्रम का शाही जुलूस। कबूतर व गुब्बारा उड़ाकर मियां साहब ने दिया शांति का संदेश। शिक्षक दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त 6 शिक्षकों को दिया गया स्मृति चिन्ह। अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मानित। 6 शिक्षकों को भी इलाहाबाद बैंक ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर एसएसपी ने प्रशिक्षु महिला आर्चियों को पढ़ाया पुलिसिंग और व्यवहारिकता का पाठ। कहा, वर्तमान रहेगा अच्छा तो भविष्य होगा बेहतर। महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे गोरखपुर। कहा, धर्म और संस्कृति के मामले में गोरखपुर केंद्र है देश का। स्थानीय कलाकारों के लिए बने सांस्कृतिक केंद्र। अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, किसी भी श्रमिक को सरकारी लाभ से न रखा जाए वंचित। जिले में बनेंगे 2 नए थाने। एसएसपी ने कहा, रामगढ़ताल रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और गीडा पुलिस चौकी बनेंगे नए थाने। जेट्टी पर बनाया गया अस्थायी पुलिस चौकी। और स्वामी सहजानंद पूर्वांचल कल्याण मंच ने किया शिक्षकों का सम्मान। IIM के डायरेक्टर ने किया सम्मानित।